अच्छा जी, अब जरा क्लास स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में मैंने आपके साथ बिजनेस वैल्यूएशंस को डील कर लिया, सॉरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस को डील कर लिया। अच्छा, अब हम अपना टॉपिक नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, हम लोग टॉपिक नंबर 4 सेट कर रहे हैं। टोटल 6 टॉपिक्स हैं आपके सिलेबस में, तो टॉपिक नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये टॉपिक नंबर 4 है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ आप लोग इस टॉपिक के जरा इंट्रोडक्शन को गौर से सुने ताकि बात समझ आए, फिर हम इसको जरा डिटेल में लेंगे। क्योंकि पहले तो जरा थ्योरेटिकल डिस्कशन अच्छी खासी, फिर प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाने। देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये जो रिस्क मैनेजमेंट का पोर्शन है ना सिलेबस में, रिस्क मैनेजमेंट के पोर्शन में 2 एरियाज है। एरिया नंबर 1 है बेटा करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का, और एरिया नंबर 2 है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का। हमारे सिलेबस में 2 एरियाज है, एक एरिया है करेंसी रिस्क मैनेजमेंट का, एक एरिया इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का। जब आप किताब देखोगे ना, किताब में आपको इसके 2 चैप्टर नजर आएंगे, एक करेंसी रिस्क मैनेजमेंट और एक इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। हम आज की क्लास में टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, वैसे 2 टॉपिक्स हैं इसमें, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। स्टार्ट कर रहे हैं करेंसी रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, हम करेंसी रिस्क मैनेजमेंट को जब स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो मुझे आपको सबसे पहले बताना है करेंसी रिस्क क्या होता है। जब हम करेंसी रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं ना, मुझे सबसे पहले आपको बताना है करेंसी रिस्क क्या होता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग जरा इसकी डेफिनेशन गौर से सुने कि करेंसी रिस्क क्या होता है। बेटा फॉर एग्जाम्पल, आज 22 अप्रैल है और हम मौजूद हैं पाकिस्तान में। ठीक है जी, आज 22 अप्रैल है, हम मौजूद हैं पाकिस्तान में। हमने ना 22 अप्रैल को किसी यूएस बेस्ड कंपनी से 100 डॉलर का माल बाय किया। आज 22 अप्रैल हम पाकिस्तान में, हमने किसी यूएस बेस्ड कंपनी से 100 डॉलर का माल बाय किया। अखबार में चेक किया, डॉलर रेट था 140 रुपए, तो हमने सोचा हमें ये माल मिलेगा 14,000 रुपए का। ठीक है, आज 22 अप्रैल हम पाकिस्तान में, हमने लेट सपोज किसी यूएस बेस्ड कंपनी से 100 डॉलर का माल बाय किया, डॉलर रेट अखबार में चेक किया 140 रुपए था, तो हमें लगा 14,000 रुपए का मिला। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में माल क्रेडिट पे होता है, इन्होंने बोला यार आप पेमेंट दे देना 22 मई को। 22 मई को जब आप पेमेंट करने गए ना 100 डॉलर की, तो पहली बात तो आप 100 डॉलर की पेमेंट करोगे किस तरह? आप मनी चेंजर के पास जाओगे, उससे 100 डॉलर पहले बाय करोगे और फिर भिजवाओगे। ऐसे थोड़ी भिजवा सकते हो ना, पहले आप 100 डॉलर बाय करोगे और फिर भिजवाओगे। मनी चेंजर का आपने बोला मुझे यूएस के बैंक अकाउंट में 100 डॉलर डलवाने हैं, उसने बोला आप बाय करो और डलवा दो। आपने कहा ठीक है दे दो। उसने कहा भाई आज डॉलर रेट 142 रुपए है, आपको मिले 14,200 रुपए के, पेमेंट हो गई। क्या कोई गलती की तुमने, क्या कोई लेट पेमेंट की? नहीं, बैठे बैठे करेंसी रेट फ्लक्चुएशन की वजह से तुम्हें 200 का नुकसान हो गया। इस खतरे को कहते हैं करेंसी रिस्क। डेफिनेशन पढ़ो आदि, व्हाट इज करेंसी रिस्क? रिस्क दैट करेंसी रेट्स विल गो अप इफ वी हैव टू मेक पेमेंट इन फ्यूचर। तुम्हें फ्यूचर में किसी को पेमेंट देनी है, पैसे देने, हमेशा डरता है बंदा कि यार कहीं करेंसी रेट ऊपर ना निकल जाए। इस खतरे को कहते हैं करेंसी रिस्क। आपको अपनी एसीसी की फीस पे करनी है 6 दिन बाद। हर बच्चा डरा हुआ होता है कि कहीं यार पाउंड रेट ऊपर ना निकल जाए। खतरा है कि करेंसी रेट्स विल गो अप एंड यू हैव टू मेक पेमेंट इन फ्यूचर। इस खतरे को कहते हैं करेंसी रिस्क। अच्छा बेटा, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आज 22 अप्रैल है, हम मौजूद हैं पाकिस्तान में, और आपने आज किसी यूएई बेस्ड कंपनी को 1,000 दिरहम का माल सेल किया। हम पाकिस्तान में 22 अप्रैल, हमने किसी यूएई बेस्ड कंपनी को 1,000 दिरहम का माल सेल किया। अखबार में देखा ना, दिरहम रेट 40 रुपए था, हमने सोचा 40,000 रुपए आ जाएंगे। इन्होंने आपसे क्रेडिट लिया, बोला पेमेंट भिजवाएंगे 30 मई को। 30 मई को इन्होंने वादे के मुताबिक 1,000 दिरहम भिजवा दी। आप पाकिस्तान में, इन्होंने आपको 1,000 दिरहम भिजवा दिए, आपके किसी काम के थोड़ी है। आप फॉरन मनी चेंजर के पास जाओगे, बोलोगे यार इसको एक्सचेंज कर लो। मनी चेंजर कहता है भी कर देते हैं, आज दिरहम रेट 38 रुपए, आपके हाथ में 38,000 रुपए है। क्या कोई गलती की आपने, क्या कोई लेट पेमेंट की? नहीं, बैठे बैठे करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से देखें आपके नुकसान हो गया। इस खतरे को भी करेंसी रिस्क कहते हैं। अब जरा बकाया डेफिनेशन पढ़ो।
और रिस्क दैट करेंसी रेट्स विल गो डाउन इफ वी हैव टू रिसीव मनी इन फ्यूचर। बेटा किसी को पैसे देने तो ये डर के करेंसी रेट बढ़ जाएंगे, कहीं से पैसे आने तो ये डर करेंसी रेट्स गिर जाएंगे। इस खतरे को हम कहते हैं करेंसी रिस्क। किसी को पैसे देने तो ये डर लगा रहता है करेंसी रेट्स ऊपर निकल जाएंगे, कहीं से पैसे आ रहे हैं तो ये डर लगा रहता है करेंसी रेट्स नीचे चले जाएंगे। इस खतरे को हम नाम देते हैं किसका, करेंसी रिस्क। तो पहली बात बहुत जरूरी है कि आप सबको जो है ना वो करेंसी रिस्क का मतलब पता हो कि करेंसी रिस्क हम कहते किसको है। आपको इसी की फीस भरनी है, पेमेंट करनी है, डर लगा रहता है करेंसी रेट ऊपर निकल जाएंगे, ये करेंसी रिस्क है। आपको कोई रिश्तेदार आपका 1,000 डॉलर भिजवाने वाला है, हर वक्त डरते रहोगे यार कहीं डॉलर रेट पैसे आते गिर ना जाए। तो अगर आपके पास करेंसी रिस्क की बात करें तो करेंसी रिस्क की डेफिनेशन हो गई कि हमें अगर पैसे देने तो डर लग रहा है कि रेट्स बढ़ जाएंगे, पैसे आ रहे हैं तो डर लग रहा है रेट्स गिर जाएंगे। इस खतरे को कहते हैं करेंसी रिस्क। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आज 22 अप्रैल है, आपने किसी यूएस बेस्ड कंपनी से 100 डॉलर का माल खरीदा, पेमेंट अगले महीने करनी है, हर वक्त डरते रहोगे रेट्स ऊपर निकल जाए, करेंसी रिस्क। आपने किसी यूएई बेस्ड कंपनी को 1,000 दिरहम का माल बेचा, पैसे एक दिन 1 महीने बाद आएंगे, हर वक्त डरते रहोगे दिरहम रेट गिर ना जाए, ये खतरा कहलाता है करेंसी रिस्क। अच्छा बेटा इसकी तीन टाइप्स हैं, करेंसी रिस्क की तीन टाइप्स हैं, ट्रांसलेशन रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क। करेंसी रिस्क की तीन टाइप्स हैं, ट्रांसलेशन रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क। ट्रांसलेशन रिस्क क्या है? देखो ट्रांसलेशन हम रिस्क कहते हैं रिस्क ऑफ लॉसेस व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर, यूजुअली अकर्स व्हेन कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन फॉरेन एसेट्स। ट्रांसलेशन रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से आता है, ये वो लोगों को नजर आता है जो बार बार चीजों को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। ट्रांसलेशन रिस्क ऐसा रिस्क है जो ट्रांसलेशन की वजह से आता है, उन लोगों को फेस करना पड़ रहा होता है, उन लोगों को नजर आ रहा होता है जो चीजों को बार बार ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी ने यूएसए में है ना 5,000 डॉलर की गाड़ी ली, चेक किया डॉलर रेट 140 रुपए था, बोला यार 7 लाख की गाड़ी है मेरी, ठीक है, कल को डॉलर रेट 135 रुपए हो गया, कल को डॉलर रेट 135 रुपए हो गया, बोला शिट यार मेरी गाड़ी 6,75,000 की हो गई। बेवकूफी है भाई कि यार 5,000 डॉलर की गाड़ी ली थी, 140 रुपए डॉलर रेट था, बोला 7 लाख की गाड़ी है, डॉलर कल 135 का हो गया, बोला यार शिट मेरी गाड़ी 6,75,000 की हो गई। नहीं भाई, तुम्हारी गाड़ी कल भी 5,000 डॉलर की थी, आज भी 5,000 डॉलर की है, ये तो तुम्हें सिर्फ नुकसान इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि तुम चीजों को ट्रांसलेट कर रहे हो। ट्रांसलेट ना करो, बोलो मेरी गाड़ी 5,000 डॉलर की है तो वो कल भी 5,000 की थी, आज भी 5,000 की है, ये रिस्क नजर ही नहीं आएगा। किसी ने इसी तरीके से यूएई में कोई अपार्टमेंट लिया 1 लाख दिरहम का, दिरहम रेट बेटा 40 रुपए था, बोला मेरा अपार्टमेंट 40 लाख रुपए का है, कल को दिरहम रेट 38 हो गया, बोला यार अरे भाई गलती हो गई यार मेरा तो अपार्टमेंट 38 लाख का हो गया। नहीं भाई, वो अपार्टमेंट 1 लाख दिरहम का ही है, कल भी आज भी, आप सिर्फ चीजों को ट्रांसलेट कर रहे हो इसलिए आपको ये फील हो रहा है। तो ट्रांसलेशन रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो सिर्फ लोगों को तब नजर आता है जो ट्रांसलेट करते रहते हैं। ट्रांजेक्शन रिस्क, ट्रांजेक्शन रिस्क है रिस्क ऑफ लॉसेस ऑन स्पेसिफिक बाइंग और सेलिंग ट्रांजेक्शन। बेटा क्या बाइंग एक ट्रांजेक्शन है? यस। क्या सेलिंग एक ट्रांजेक्शन है? यस। इस ट्रांजेक्शन पे जो नुकसान हो रहा होता है ना उसे हम ट्रांजेक्शन रिस्क कहते हैं। जैसे मैंने आपको जो दो एग्जाम्पल दिए ना 22 अप्रैल वाली, ये ट्रांजेक्शन रिस्क है कि एक मैंने बाइंग की थी उस पर नुकसान का खतरा, एक मैंने सेलिंग की थी उस पर नुकसान का खतरा, ये ट्रांजेक्शन रिस्क है। ट्रांसलेशन रिस्क कौन लोग फेस करते हैं बेटा? जो बार बार चीजों को आदत होती है जिनकी क्या करने की, ट्रांसलेट करने की। ट्रांजेक्शन रिस्क क्या है? जो किसी भी बाइंग या सेलिंग ट्रांजेक्शन पे आ रहा होता है। अच्छा इकोनॉमिक रिस्क क्या भाई? इकोनॉमिक रिस्क हम कहते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन रिस्क, दैट इज रिस्क ऑफ लॉसेस ऑन बोथ बाइंग एंड सेलिंग ट्रांजेक्शन। अगर आपकी सिर्फ बाइंग ट्रांजेक्शन पे आपको नुकसान होना तो वो ट्रांजेक्शन रिस्क है, अगर सिर्फ सेलिंग ट्रांजेक्शन पे नुकसान होना तो भी वो ट्रांजेक्शन रिस्क है। बेटा कभी कभार ऐसा होता है बाइंग सेलिंग ट्रांजेक्शन दोनों धोखा दे देती है, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिस्क। अभी जैसे मिसाल के तौर पे आपने ना किसी यूएस बेस्ड कंपनी से 1,000 डॉलर की बाइंग की और किसी टर्किश कंपनी को 1,000 लीरा, टर्किश की करेंसी लीरा, उसकी सेलिंग की। आपने किसी यूएस बेस्ड कंपनी को 1,000 डॉलर की बाइंग की और किसी टर्की कंपनी को है ना आपने 1,000 लीरा की सेलिंग की, डॉलर रेट बढ़ गया, नुकसान हो गया, ट्रांजेक्शन रिस्क है, ट्रांजेक्शन रिस्क बाइंग पे हुआ। अच्छा अमेरिका ने टर्की पे सैंक्शन लगा दिए, लीरा बुरी तरह गिर गया, 50 रुपए से 25 रुपए के आ गया पाकिस्तान में। अब जब पैसे आएंगे तुम्हारे पास 1,000 लीरा तो भी तुम्हें नुकसान हो जाएगा,
बाइंग सेलिंग ट्रांजेक्शन दोनों धोखा दे देना, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक रिस्क। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपके साथ दो बातें की है। नंबर वन, करेंसी रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले करेंसी रिस्क का मतलब क्या है? बेटा किसी को पैसे देने हैं तो ये डर लगा रहता है कि करेंसी रेट ऊपर ना निकल जाए, करेंसी रिस्क है। कहीं से रिसीविंग आ रही है, डर लगा रहता है यार करेंसी रेट नीचे ना चले जाए, करेंसी रिस्क। तीन टाइप्स हैं ट्रांसलेशन रिस्क, जो सिर्फ किन लोगों को नजर आते हैं जो चीजों को ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांजेक्शन रिस्क, जो किसी भी बाइंग सेलिंग ट्रांजेक्शन पर होता है। इकोनॉमिक रिस्क, हायर फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन रिस्क, दोनों ट्रांजेक्शन धोखा दे दिए। अच्छा, सिलेबस का ये एजेंडा नहीं है कि बच्चों को बस बता के छोड़ दो भाई ये तीन रिस्क है, करेंसी रिस्क ये तीन टाइप्स है। सिलेबस चाहता है बच्चे को सिखाया जाए करेंसी रिस्क आ रहा है ना भाई तीन टाइप्स का, इसको कैसे डील करें, कैसे मैनेज करें, कैसे मिनिमाइज करें करेंसी रिस्क को। देखो इसको तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये रिस्क खत्म नहीं हो सकता, इसको डील मैनेज मिनिमाइज करना है, ये सीखना है तुम्हें। करेंसी रिस्क को कैसे डील मैनेज मिनिमाइज किया जाए? देखो करेंसी रिस्क को डील मैनेज मिनिमाइज करने के लिए यूज की जाती है कुछ हेजिंग टेक्निक्स। क्या यूज की जाती है? कुछ हेजिंग टेक्निक्स। सिलेबस में हमारे 6 हेजिंग टेक्निक्स हैं। डील इन होम करेंसी, लीडिंग, लैगिंग, मैचिंग और नेटिंग, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज। इनमें से बेटा पहली चारों टेक्निक सिर्फ थ्योरी में टेस्ट होंगी, आखिरी दोनों टेक्निक्स प्रैक्टिकली भी टेस्ट होंगी। ठीक है, पहली चारें सिर्फ थ्योरी में, डेफिनेशन वगैरह टेस्ट होंगी, आखिरी दोनों प्रैक्टिकल टेस्ट होंगी। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट का सेक्शन पक्का है एमटीक्यू में ही आएगा, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, ये एमटीक्यू में ही आएगा। ठीक है, तो बहरहाल करेंसी रिस्क होता क्या है? किसी को पेमेंट देनी है, डर लगा हुआ रेट बढ़ जाएंगे, किसी से रिसीविंग आ रही है, डर लगा हुआ रेट बढ़ जाएंगे, करेंसी रिस्क है। सर इसको कैसे डील करें? तीन टाइप्स हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक। कैसे डील करें बेटा? इसके लिए कुछ हेजिंग टेक्निक्स हैं, डील इन होम करेंसी, लीडिंग, लैगिंग, मैचिंग, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज। स्टार्ट करते हैं, गौर से समझना। करेंसी रिस्क को हेज करने के लिए पहली टेक्निक है डील इन होम करेंसी। पता है डील इन होम करेंसी क्या कहती है? रिक्वेस्ट कस्टमर्स एंड सप्लायर्स to give and take payment in our local currency। बेटा डील इन होम करेंसी पहली हेजिंग टेक्निक कहती है। करेंसी रिस्क से बचना चाहते हो ना, कस्टमर सप्लायर से रिक्वेस्ट करो कि प्लीज यार हमारी करेंसी में ही पैसे लो। जब तुम अपनी करेंसी में डील करोगे, फॉरेन करेंसी में डील ही नहीं करोगे, तो मैं कोई करेंसी रिस्क आएगा ही नहीं। एग्जाम्पल सुनना बेटा, आज 22 अप्रैल है, आपने यूएस बेस्ड कंपनी से $100 की बाइंग की, डॉलर रेट 140 था, कितने बने? 14,000 रुपए। उस बंदे को जिससे बाइंग की है ना, उसको अखबार का ये रेट दिखा दो, बोलो देखो 140 रुपए रेट है, 14,000 रुपए की बाइंग की है, मैं तुम्हें एक महीने बाद पेमेंट है ना 14,000 रुपए करूंगा, प्लीज मान जाओ मेरी बात। बेटा अगर वो मान जाते ना, तो आपको एक महीने बाद 14,000 रुपए पे करने। अब डॉलर रेट बढ़े कम हो, आपकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, $100 पे करने होते तो अब डॉलर रेट बढ़ता तो ज्यादा पैसे जाते, तो 14,000 रुपए पे करने, डॉलर कुछ भी हो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसी तरह आपने 22 अप्रैल को किसी यूएई बेस्ड कंपनी को 1,000 दिरहम का माल सेल किया, अखबार में रेट क्या है? 40 रुपए। पेमेंट आएगी 30 मई को। बेटा डर लग रहा है ना रेट गिर जाएंगे, उनको अखबार में दिखा दो, देखो यार हमने आपको 1,000 दिरहम का माल सेल किया, आज रेट 40 रुपए, 40,000 रुपए बनते हैं, प्लीज आप मान जाए हमें 30 मई को 40,000 रुपए भिजवा दीजिएगा। बेटा अगर वो आपको 30 मई को 40,000 रुपए भिजवा देते हैं, आप दिरहम रेट नीचे जाए ऊपर जाए आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो डील इन होम करेंसी कहती है रिक्वेस्ट कस्टमर एंड सप्लायर टू गिव एंड टेक पेमेंट इन अवर लोकल करेंसी। इसी से आपके साथ क्या करता है? कहता है हमें 100 पाउंड चाहिए, इसी से अपनी लोकल करेंसी में डील करता है। आप पाउंड रेट यूके में बड़े कम हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम आपसे पाकिस्तानी रुपए लेते ना, तो आप रेट ऊपर नीचे होने से उनको फर्क पड़ता है। वो कहते हैं हमारी होम करेंसी में दो, डील इन होम करेंसी। इससे करेंसी रिस्क बच सकता है, हेजिंग टेक्निक। दूसरी हेजिंग टेक्निक है लीडिंग। लीडिंग कहती है अर्ली पेमेंट कर दो। क्या कर दो बेटा? अर्ली पेमेंट। आइडिया ये है कि जितना जल्दी पैसे दोगे ना, उतना टाइम पीरियड कम होगा और उतनी फ्लक्चुएशन कम आएगी।
जैसे आज ट्रांजेक्शन किए ना, जल्द अज जल्द पैसे दे दो। टाइम पीरियड कम होगा ना ट्रांजेक्शन डेट और पेमेंट डेट में, तो ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएशन भी कम होगी। लैगिंग, लैगिंग कहती है लेट पेमेंट करो। क्या करो बेटा? लेट पेमेंट। मैक्सिमम डिले करो पेमेंट। अच्छा, जबरदस्ती नहीं है, नेगोशिएट करके कि भाई मैं लेट कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं। जैसी करेंसी रेट्स फेवरेबल नजर आना तब पे करो। कोई टाइम ना बांधो, 15 दिन में दे दूंगा, 20 दिन में दूंगा, बोले यार मैं लेट करूंगा पेमेंट। लेट लेट लेट, जब करेंसी रेट्स तुम्हारे फेवर में है ना तब कर लेना। अब जैसे आप एक बात बताओ, आज से एक हफ्ता पहले डॉलर रेट अचानक से 147 पहुंच गया था, लोग पैनिक में आके जल्दी पे करते तो नुकसान हो जाता ना। कुछ लोगों ने लैग कर दिया अपनी पेमेंट, बोला अगले हफ्ते दूंगा भाई, अगले हफ्ते गवर्नमेंट इंटरवेंशन करके वापस 142 पे ले। तो लैगिंग कहती है लेट पेमेंट करो, जब फेवरेबल रेट्स हो तब करो। मैचिंग या नेटिंग आखिरी थ्योरेटिकल टेक्निक, ये कहती है ऑफसेट कर लो रिसीट्स एंड पेमेंट्स को। जैसे लेट सपोज तुम पाकिस्तान में हो ना, एक यूएस कंपनी को $1,000 पे करने और एक यूएस कंपनी से $800 रिसीव करने, एक यूएस कंपनी को $1,000 पे करने और एक यूएस कंपनी से $800 क्या करने, रिसीव करने। अब पागलपना नहीं करो कि यूएस की कंपनी को $1,000 पे करने और यूएस की कंपनी से $800 रिसीव करने। बोले यार भाई ट्रांजेक्शन को मिक्स नहीं करना, पहले मैं आपको $1,000 पे करूंगा। मनी चेंजर के पास गए $1,000 पे करने के लिए, रेट बढ़े हुए थे, नुकसान उठाया। बोला अब आप मुझे $800 भिजवा दो, उन्होंने $800 भिजवाया। फिर मनी चेंजर के पास गए, रेट गिरे हुए थे, नुकसान उठाया। इससे बेहतर पता है क्या, 1,000 पे करने, 800 रिसीव करने ना, नेट ऑफ कर लो, बोलो मैं आपको 200 पे कर देता हूँ। मनी चेंजर के पास जाओ, $200 पे कर दो। सर अभी तो रेट बढ़े हुए नुकसान होगा, सर अभी तो रेट बढ़े हुए नुकसान होगा। बेटा सोचो, पहले 1,000 पे हो रहा था, अब सिर्फ 200 पे होगा। रिसीट्स पेमेंट्स को ऑफसेट करना नेटिंग है। तो अभी तक हमारी क्या डिस्कशन हो चुकी है भाई? सबसे पहले व्हाट इज करेंसी रिस्क, करेंसी रिस्क क्या रिस्क है भाई? किसी को पेमेंट देनी है तो रेट बढ़ने का डर, किसी से रिसीविंग आ रही है तो रेट गिरने का डर, दिस इज करेंसी रिस्क। व्हाट इज करेंसी रिस्क, किसी को पेमेंट करनी है तो रेट बढ़ने का डर, किसी से रिसीविंग आ रही है तो रेट गिरने का डर। करेंसी रिस्क के तीन टाइप से, ट्रांसलेशन रिस्क, कौन लोग फेस करते हैं जो बार बार ट्रांसलेट करते हैं, ट्रांजेक्शन रिस्क, बाइंग सेलिंग ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक रिस्क, हायर फॉर्म। सर इसको खत्म तो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कैसे करें? हेजिंग टेक्निक्स, डील इन होम करेंसी, थियोरिटिकल टेक्निक, कहती है अपनी करेंसी में डील करना शुरू कर दो। लीडिंग जल्दी पेमेंट कर दो, लैगिंग लेट पेमेंट कर दो, मैचिंग रिसीट्स पेमेंट्स को ऑफसेट कर दो। ये चार हैं थियोरिटिकल टेक्निक्स, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ प्रैक्टिकल टेक्निक्स की तरफ। पहली प्रैक्टिकल टेक्निक स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए मुझे कुछ मटेरियल लिखना है, वो मैं लिख रहा हूँ, आप कॉपी करें। इन द मीन टाइम इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। Thank you.
अच्छा बेटा, आप जरा प्लीज जरा तवज्जो से सुनिएगा, कुछ बड़ी जरूरी बात हो रही है। देखो, आपने अभी ये पढ़ा, मैंने आपको जो टॉपिक्स पढ़ाए, करेंसी रिस्क। बेटा, करेंसी रिस्क ये होता है कि हमें किसी को पैसे देने ना तो रेट बढ़ने का डर होता है, कहीं से पैसा आने तो रेट गिरने का डर होता है, करेंसी रिस्क है। इसके तीन टाइप्स है, ट्रांसलेशन, ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक। ट्रांसलेशन रिस्क उन लोगों को फेस करना पड़ता है जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन किसी भी बाइंग सेलिंग पर, इकोनॉमिक हायर फॉर्म ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसको हेज कैसे किया जाए, मिनिमाइज कैसे किया जाए, खत्म तो कर नहीं सकते, बट इसके लिए कुछ हेजिंग टेक्निक्स हैं। डील इन होम करेंसी, अपनी करेंसी में डील करो, लीडिंग जल्दी पैसे दे दो, लैगिंग लेट पेमेंट करो, मैचिंग ऑफसेट कर दो। अब जरा प्रैक्टिकल टेक्निक्स पर आ रहे हैं। पहली प्रैक्टिकल टेक्निक है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। करेंसी रिस्क को मिनिमाइज करने की एक टेक्निक है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट? बेटा, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेट फिक्सेशन। ये हर मनी चेंजर, हर बैंक ऑफर करता है। Company contracts to buy sell currency in future at a specific date at a specific rate. बेटा, ये simply एक rate fixation का मुआहदा है। आपको ACCA की फीस पे करनी है ना 7 दिन बाद 100 pound, डर लग रहा है पाउंड रेट बढ़ जाएगा, चाहो किसी मनी चेंजर से रेट फिक्स करा लो, स्टैम्प पेपर पर तुम्हें लिख के दे देगा, मैं तुम्हें पाउंड 180 rupees का दूंगा 7 दिन बाद, हो गया रेट फिक्स, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब कल को पाउंड रेट 200 भी हो जाए ना, वो तुम्हें 180 नहीं देगा। बेटा, तुम्हारे पास कहीं से एक महीने बाद 30 मई को 1000 dirham आने वाले हैं, डर लग रहा है दिरहम रेट गिर जाएगा, जाओ किसी मनी चेंजर के पास रेट फिक्स करवा लो। वो कहेगा ठीक है, 30 मई को मेरे पास 1000 dirham लेके आ जाना, मार्केट रेट कुछ भी हो मैं तुमसे 25 rupees में ले लूंगा, हो गया रेट फिक्स, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अब दिरहम कितना भी गिर जाए वो तुमसे 25 में ही लेगा। तो मैं मेरी ऊपर वाली एग्जाम्पल में, एक महीने बाद किसी को $1000 देने थे, डर लग रहा था डॉलर रेट बढ़ जाएगा, जाओ रेट फिक्स करा लो, वो तुम्हें लिख के दे देगा स्टैंप पर 140 rupees में रेट फिक्स हो गया, बस अब रेट कुछ भी हो तुम्हें 140 में मिलेगा। दिस इज फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेट फिक्सेशन। अच्छा, इसके कैलकुलेशन सवाल सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें एक रूल समझना होगा जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ कोट्स। देखो, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि हम जब भी किसी चीज के दाम देखते हैं ना $10, हम फौरन उसको 140 से मल्टीप्लाई करते हैं। हम जब किसी चीज के दाम देखते हैं ना, ACCA की फीस 100 pound, फौरन उसको 185 से मल्टीप्लाई करते हैं। हमारी बचपने वाली सोच है कि खाली दुनिया में मल्टीप्लाई होता है, ऐसा नहीं है। दुनिया में करेंसी कन्वर्जन के दो रूल्स हैं, दो कोट्स हैं, एक को कहते हैं इनडायरेक्ट कोट, एक को कहते हैं डायरेक्ट कोट। गौर से सुनना, इनडायरेक्ट कोट तब होता है जब फॉरेन करेंसी ऊपर हो, लोकल करेंसी नीचे हो। क्या आप कहीं पाकिस्तान में घूम रहे हैं, पाकिस्तान में, और कहीं लिखा हुआ है $PKR? बेटा, कहीं पाकिस्तान में घूम रहे हो, $PKR लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान की लोकल करेंसी PKR है ना, वो डिनोमिनेटर में आ रही है, इनडायरेक्ट कोट है। बैठे इसी तरह तुम कहीं US में हो, पाउंड ओवर डॉलर, US की लोकल करेंसी डॉलर है ना, वो डिनोमिनेटर में आ रही है, इनडायरेक्ट कोट। जहां लोकल करेंसी डिनोमिनेटर, इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट में सरप्राइजिंगली एक करेंसी से दूसरी करेंसी में जाने के लिए मल्टीप्लाई नहीं करते, डिवाइड करते हैं। हमारी बचपन ऐसी सोच बनी हुई है कि हमेशा डिवाइड ही होता है, ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट कोट अगर होता है तो एक करेंसी से दूसरी करेंसी में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। और बेटा, इनडायरेक्ट कोट में जब आपके सामने दो रेट्स आते हैं ना, तो लोअर रेट को आपने हमेशा बाइंग मानना है और हायर रेट को हमेशा क्या मानना है, सेलिंग मानना है। आप किसी दुकान में जाते हैं तो आप देखते हैं ना, दो रेट्स लिखे होते हैं, बाइंग सेलिंग, यही घबरा रहे होते हैं कौन सा बाएंगे कौन सा सेलेंगे। इनडायरेक्ट कोट चल रहा है तो रूल, ये मैंने नहीं बनाया है, ये फिक्स रूल्स है करेंसी के इंटरनेशनली। इनडायरेक्ट कोट चल रहा है तो लो रेट बाएंगे, हाई रेट सेलेंगे। इसके मुकाबले में एक और कोट है जो हम लोग यूज करते हैं पूरे पाकिस्तान में, डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट क्या है? लोकल करेंसी न्यूमिनेटर में, फॉरन करेंसी डिनोमिनेटर में। लाइक आप पाकिस्तान में कहीं लिखा हुआ है PKR ओवर डॉलर, बेटा पाकिस्तान की लोकल करेंसी पाक रुपीज है ना, वो ऊपर आ रही है डायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट होता है तो एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, और डायरेक्ट कोट में लोअर रेट हमेशा सेलिंग होता है, हायर रेट हमेशा बाइंग होता है। तुमने ये कोट्स का रूल याद नहीं किया, नहीं रटा इसको, तुमसे कोई भी कैलकुलेशन सवाल सॉल्व नहीं होगा। इनडायरेक्ट कोट, डायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट किसे कहते हैं? फॉरन ऊपर, लोकल नीचे, इसमें डिवाइड होता है लोअर बाइंग हायर सेलिंग। बट अगर लोकल ऊपर हो फॉरन नीचे हो तो डायरेक्ट कोट, मल्टीप्लाई करते हैं लोअर रेट सेलिंग हायर रेट बाइंग। ठीक है, अब देखो कोट्स को तो 2 मिनट के लिए साइड पे रख दो। कोट्स तो क्या है भाई? फॉरेन ऊपर, लोकल नीचे, इनडायरेक्ट कोट, डिवाइड होगा लोअर बाइंग हायर सेलिंग, और अगर लोकल ऊपर फॉरेन नीचे तो डायरेक्ट कोट है, मल्टीप्लाई होगा लोअर सेलिंग हायर बाइंग। असल बात मैं कर रहा था फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की। देखो, करेंसी रिस्क को हेज करने के लिए ना, मेरी बात जरा और से सुनो, करेंसी रिस्क को हेज करने के लिए ना सिलेबस में 6 टेक्निक्स हैं। एक है डील इन होम करेंसी। डील इन होम करेंसी कहती है अपनी करेंसी में डील करो। दूसरी है लीडिंग जल्दी पैसे दे दो। तीसरी है लैगिंग लेट पैसे दो। चौथी है मैचिंग रिसीट्स पेमेंट्स को ऑफसेट करो।
पांचवी है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रेट फिक्सेशन। किसी भी मनी चेंजर या बैंक से चले जाओ, बोलो मेरे पास एक महीने बाद पैसे आने, एक महीने बाद पैसे देने, मुझे मुझे डर लग रहा है रेट बढ़ने कम होने का, वो तुम्हारे साथ रेट फिक्स कर लेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब तुम्हें इसका सवाल सॉल्व करना होगा। तो बेटा देखो इसका सवाल कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन सवाल सिखा रहा हूं, फिर 6 सवाल तुम्हें करने को दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, वी आर इन पाकिस्तान एंड हैव टू पे $1,000 आफ्टर 3 मंथ्स। बेटा तुम पाकिस्तान में हो, तुम्हें $1,000 पे करने आफ्टर 3 मंथ्स। क्या डर है भाई, क्या रिस्क है? पाकिस्तान में हो, $1,000 पे करने आफ्टर 3 मंथ्स बाद, तो क्या डर है? रेट बढ़ जाएगा, रेट साथ डॉलर ओवर पीकेआर। स्पॉट रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट कहते हैं आज का रेट। 1 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, 1 महीने बाद का रेट। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, 3 महीने बाद का रेट। रिक्वायरमेंट, हाउ मच पीकेआर विल बी इन्वॉल्व इन हेजिंग अंडर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। बेटा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का आंसर जो है ना, एक लाइन का होता है। तो मैं तीनों सवाल और से सुनने, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का आंसर एक लाइन का होता है, एक लाइन का। लेकिन बड़ा मसला है भाई इसमें, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट एक लाइन का आंसर है, लेकिन बड़ा मसला उसमें, तो उसमें ना कोर्ट्स की बड़ी हैवी एप्लीकेशन है। इसलिए मैं तुम्हें इसका बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, तरीके से सुन लो, बात समझ आ जाएगी। हम पाकिस्तान में $1,000 देने आफ्टर 3 मंथ्स, हमेशा डर लगेगा पाकिस्तान में $1,000 देने 3 महीने बाद, या रेट ना बढ़ गया। रेट दिया हुआ है डॉलर ओवर पीकेआर, स्पॉट आज का रेट होता है, 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। कह रहे कितने पीकेआर इन्वॉल्व होंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट में। अब इसको तीन स्टेप्स में सॉल्व करो, तीन स्टेप्स में। पहला बेटा, तुम पाकिस्तान में और $1,000 3 महीने बाद देने, सिर्फ 3 मंथ फॉरवर्ड रेट को सर्कल कर लो। यार मैं बाकी क्यों देखूं भाई, मैं स्पॉट क्यों देखूं, मैं 1 मंथ फॉरवर्ड क्यों देखूं? मैं पाकिस्तान में हूं, मुझे 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो मैं सिर्फ 3 मंथ की रो को देखूंगा, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, कोर्ट बना लो, कोर्ट। बेटा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की लोकल करेंसी क्या है? पाक रुपी। देख रहे हो वो नीचे आ रही है, इनडायरेक्ट कोर्ट है, डिवाइड करना पड़ेगा। और रूल्स के तहत ये जो दो रेट्स दिए हुए ना, 0.009, 0.010, लोअर रेट बाइंग रेट है, हायर रेट जो है वो सेलिंग रेट है। लोअर रेट बाइंग रेट है, हायर रेट सेलिंग रेट है। ये मैंने नहीं बनाई, इंटरनेशनल कोर्ट्स है। ठीक है, दो स्टेप्स हो गए, रिपीट कर रहा हूँ। पहला, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, सिर्फ 3 मंथ की रो को सर्कल करो। दूसरा, कोर्ट बनाओ, पाकिस्तान में पाक रुपीज नीचे, इनडायरेक्ट कोर्ट, डिवाइड होगा लोअर बाइंग हायर सेलिंग। आखिरी स्टेप, बेटा कितने पैसे देने हैं? $1,000। कितने पैसे देने? $1,000। रिक्वायरमेंट क्या है? पीकेआर कितने लगेंगे? $1,000 देने, रिक्वायरमेंट है पीकेआर कितने लगेंगे? बेटा $1,000 को पीकेआर में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड। बेटा पे करने है ना, पे करने, तो मनी चेंजर से मुआयदा करेंसी बाय करने का करोगे, सेल करने का? जब पेमेंट करनी होती है ना, तो मनी चेंजर से मुआयदा करते हैं करेंसी बाय करने का। रिसीट आ रही होती है ना, तो करेंसी सेल करते हैं जाके। पेमेंट करनी है ना, तो बाइंग का मुआयदा होगा। बेटा बाइंग रेट से डिवाइड कर दो, जो कि 0.009 है। आ गए पीकेआर भाई, वन। ये देखो एक लाइन का आंसर हो गया कि इतने पीकेआर इन्वॉल्व होंगे। पूछ रहा था ना, हाउ मच पीकेआर विल बी इन्वॉल्व, इतने पीकेआर इन्वॉल्व होंगे। लेकिन तुमने देखा, यहां तक पहुंचने के लिए कोर्ट्स की नॉलेज ना हो तो बेकार, यहां तक पहुंचने के लिए कोर्ट्स की नॉलेज ना हो तो बेकार। रिपीट कर रहा हूं, तीन स्टेप्स में सॉल्व करो। पहला, 3 मंथ्स बाद पेमेंट करनी है, 3 मंथ को हाईलाइट कर लिया। दूसरा, कोर्ट देखो, पाकिस्तान में हो, पाक रुपी नीचे, इंडायरेक्ट कोर्ट, डिविजन, लोअर बाइंग हायर सेलिंग। आखिरी स्टेप, 1,000 पे करने, वो पूछ रहे पीकेआर कितने इन्वॉल्व होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड। पेमेंट करनी है, बाइंग मायदा कर लो, बाइंग रेट से डिवाइड किया, पीकेआर 1111111 आ गया। देखो ये तीनों सवाल देखो, बाद में कॉपी करना। क्वेश्चन 2, वी आर इन USA एंड मस्ट पे £2,000 आफ्टर 4 मंथ्स। बेटा हम USA में, £2,000 पे करने आफ्टर 4 मंथ्स, क्या डर होगा? बेटा रेट बढ़ जाएंगे, रेट सर पाउंड ओवर पीकेआर, स्पॉट रेट आज का रेट दिया हुआ है, 4 मंथ फॉरवर्ड रेट, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, वही दो रेट्स दिए हैं। कह रहे हाउ मच डॉलर विल बी इन्वॉल्व इन हेजिंग अंडर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बताओ। बेटा 3 स्टेप सॉल्यूशन है। स्टेप 1, कितने अरसे बाद क्वेश्चन 2 में पेमेंट करनी है? 4 मंथ बाद। तो सारे रेट्स में सिर्फ ये काम के, 4 मंथ बाद पेमेंट करनी है, तो सिर्फ 4 मंथ रेट काम के। सेकंड, कोर्ट देखो,
बेटा यूएस में हो, यूएस की लोकल करेंसी डॉलर होती है, सॉरी जरा मैंने गलत लिख दिया, हाँ भाई। तो क्वेश्चन टू में 4 महीने बाद पेमेंट करनी थी, तो 4 मंथ के रेट को सर्कल कर लिया। स्टेप टू, कोड बनाओ। बेटा यूएस में हो, यूएस की लोकल करेंसी डॉलर नीचे आ रही है, इनडायरेक्ट कोड डिवाइड होगा। ये जो दो रेट्स हैं इनमें लोअर रेट बाइंग रेट है और हायर रेट सेलिंग रेट। आखिरी स्टेप, कितने पैसे देने? 2000 पाउंड। वो पूछ रहा है डॉलर कितने इन्वॉल्व होंगे, 2000 पाउंड देने, वो पूछ रहा है डॉलर कितने इन्वॉल्व होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड, इनडायरेक्ट कोट है ना। बेटा पेमेंट करनी है ना, तो मायदा किसका करोगे, करेंसी बाय करने का सेल करने का? बाय करने का, बाइंग रेट से डिवाइड कर दो, 0.01145 आ गए डॉलर। ये तो सवाल पूछ रहा था, हाउ मच डॉलर्स विल बी इन्वॉल्व्ड। आ गया आंसर। बेटा तीन स्टेप अप्रोच समझ रहे हो, पहला 4 मंथ बाद पेमेंट करनी है, 4 महीने को सर्कल करो। दूसरा कोड देखो, यूएसए में डॉलर नीचे, इनडायरेक्ट कोड डिवाइड, लोअर बाइंग हायर सेलिंग। और तीसरा बस मल्टीप्लाई डिवाइड। बेटा 2000 पाउंड है, वो पूछ रहे डॉलर कितने इन्वॉल्व होंगे, मल्टीप्लाई होगा डिवाइड होगा? डिवाइड होगा। पेमेंट करनी है, बाइंग रेट से डिवाइड कर लो, 0.01441747763। लास्ट सवाल दे रहा हूं, फिर 6 सवाल तो मैं करने दूंगा, ये देख लो जरा गौर से। वी आर इन यूएई एंड विल रिसीव $5,000 आफ्टर 2 मंथ्स। बेटा आप यूएई में हो, $5,000 रिसीव करोगे 2 महीने बाद। रेट आर एईडी ओवर डॉलर। स्पॉट आज का रेट 3.67, 3.69, 2 मंथ फॉरवर्ड रेट 3.66, 3.70, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट 3.69, 3.71, वही किसी भी रिक्वायरमेंट, हाउ मच एईडी विल बी इन्वॉल्व्ड अंडर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। बेटा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट पूछ रहा है, वही तीन स्टेप सॉल्यूशन। पहला स्टेप, कितने अरसे बाद रिसीविंग आ रही है? 2 महीने बाद। सब बेकार है, सिर्फ 2 मंथ काम का है। 2 महीने बाद रिसीट आ रही है ना, सब बेकार है, सिर्फ 2 मंथ काम का है। दूसरा कोड देखो, बेटा आप यूएई में हो, यूएई की लोकल करेंसी दिरहम है, ऊपर आ रही है, कौन सा कोड है? डायरेक्ट कोड, मल्टीप्लाई होगा। और रूल्स के तहत लोअर रेट सेलिंग रेट है, हायर रेट बाइंग रेट है, ठीक है। पहला स्टेप 2 मंथ बाद रिसीव आ रही थी, 2 मंथ सर्कल कर लिया। दूसरा कोड देख लिया, एईडी ऊपर है, डायरेक्ट कोड मल्टीप्लाई, लोअर सेलिंग हायर बाइंग। आखिरी स्टेप, कितने रिसीव होने? 5,000। क्वेश्चन पूछ रहा है एईडी कितने इन्वॉल्व होंगे, 5,000 रिसीव होने, क्वेश्चन पूछ रहा है एईडी कितने इन्वॉल्व होंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई, इस बार डायरेक्ट कोड है, मल्टीप्लाई। बेटा रिसीट आ रही है ना, मायदा बाइंग का करोगे सेलिंग का? रिसीट आ रही है तो मायदा करोगे बेचने का, सेलिंग रेट से मल्टीप्लाई करो 3.68। AED आ गया। ये तो पूछ रहा था कितने AED इन्वॉल्व होंगे, 18,400। तो फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट 2 नंबर का सवाल आएगा भाई, एक लाइन आंसर है। पहला, जितने अरसे बाद पेमेंट या रिसीट आ रही है उसको सर्किल करो। दूसरा कोड देखो, और तीसरा मल्टीप्लाई डिवाइड। पेमेंट करनी है तो बाइंग मायदा, रिसीविंग आ रही है तो सेलिंग मायदा, ठीक है। इसे तुम कॉपी कर लो, कोई सवाल है इन तीनों में मुझसे पूछ लो, बाकी तुम्हारे पास व्हाट्सएप पे 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं तुम्हें, ठीक है। चार्जर लगा देना।
चले जी, अब काफी लोगों के मुझे आंसर्स आ चुके हैं, तो इट्स हाई टाइम वी शुड डिस्कस इट। अच्छा, मुझे देखें, मैसेजेस के साथ साथ सबका एक दो लोगों का प्रेशर है, जल्दी बताएं सही है, जल्दी बताएं सही है। बेटा, क्लास में डिस्कस होंगे ना सबके साथ? अब मैं 20 लोग हैं, सबको अलग अलग मैसेज पे तो नहीं बता सकता सही है गलत है ना। मैं इतना होशियार हूँ कि मुझे आंसर रटे हुए होंगे, सही है ना? तो प्लीज थोड़ा जरा सबर क्या करें। थ्री स्टेप अप्रोच करनी है आपने। क्वेश्चन नंबर वन, पाकिस्तान में 4,000 पे करने आफ्टर 4 मंथ्स, रेट्स आर डॉलर ओवर पीकेआर, स्पॉट 2 मंथ फॉरवर्ड 4 मंथ फॉरवर्ड, हाउ मच पीकेआर विल बी इन्वॉल्व्ड इन अंडर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। बेटा, आप 3 स्टेप्स, 4 मंथ बाद पे करने, 4 महीने की रो रेलिवेंट है। दूसरा, कोट पाकिस्तान में पाक रुपी नीचे, इनडायरेक्ट कोट डिविजन, लोअर बाइंग हायर सेलिंग। आखिरी बात, कितने पे करने? 4,000 मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड पेमेंट करनी है, बाइंग रेट से डिवाइड करो जो इनडायरेक्ट कोट में लोअर होता है, 0.0014। PKR 2857143 UK में 3,000 pound पे करने आफ्टर 3 मंथ्स, रेट्स हैं पाउंड ओवर डॉलर, स्पॉट 3 मंथ फॉरवर्ड 6 मंथ फॉरवर्ड, कितने पाउंड इन्वॉल्व होंगे? ठीक है बेटा, मुझे एक बात बताओ, 3 मंथ्स बाद पेमेंट करनी है तो स्टेप वन 3 मंथ रो सेल करोगी। दूसरा, कोट यूके में हो, पाउंड लोकल करेंसी, न्यूमरेटर में डायरेक्ट कोट मल्टीप्लाई, लोअर सेलिंग हायर बाइंग। तीसरा, कितने पे करने? बेटा 3,000 मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई पेमेंट करनी है, बाइंग रेट 0.885 बाइंग रेट है। तीसरा, यूएई में 3,000 दिनार पे करने 2 मंथ्स बाद, रेट्स हैं दिनार ओवर एडी, स्पॉट 2 मंथ फॉरवर्ड 3 मंथ फॉरवर्ड, कितने एडी इन्वॉल्व होंगे? बट वही 3 स्टेप्स, यूएई में हो, 3,000 दिनार पे करने 2 मंथ्स बाद, 2 मंथ को सर्कल कर लिया। दूसरा, कोट यूएई में हो, धर्म नीचे, इनडायरेक्ट कोट डिविजन, लोअर बाइंग हायर सेलिंग। आखिरी, कितने पे करने? बेटा 3,000 दिनार मल्टीप्लाई डिवाइड इनडायरेक्ट कोट डिवाइड पेमेंट करनी है, बाइंग का मुआयदा कर लो जो इनडायरेक्ट कोट में लोअर होता है, 0.09। थ्री 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 एट चौथा सवाल, हम यूएसए में 70,000 सऊदी रियाल रिसीव होंगे 6 महीने बाद, 6 मंथ को सर्कल कर लो। यूएसए में हो, डॉलर नीचे, इनडायरेक्ट कोट डिविजन, लोअर बाइंग हायर सेलिंग। तीसरा, कितने रिसीव हो रहे हैं? बेटा 70,000 रियाल मल्टीप्लाई डिवाइड इनडायरेक्ट कोटे डिवाइड रिसीव हो रहे, सेलिंग का मुआयदा कर लो, सेलिंग रेट से डिवाइड कर लो जो इनडायरेक्ट कोट में हायर होता है, 35.1। $1,994
क्वेश्चन टू में बेटा डायरेक्ट कोट है, लोअर सेलिंग हायर बाइंग होता, तो हायर वाला बाइंग होगा। चले पांचवा सट्टा देखें भाई, आप यूरोप में 6,000 डॉलर पे करने आफ्टर 2 मंथ्स। यूरोप में 6,000 डॉलर पे करने आफ्टर 2 मंथ्स, 2 मंथ्स को सर्कल कर लिया। रेट्स यूरो पर डॉलर है, आप यूरोप में लोकल करेंसी यूरो है, वो ऊपर है, डायरेक्ट कोट मल्टीप्लाई लोअर सेलिंग हायर बाइंग, ठीक है। कितने डॉलर इन्वॉल्व होंगे बेटा, 2 मंथ को सर्कल कर लिया, कोट देख लिया, यूरोप में यूरो पर डायरेक्ट कोट मल्टीप्लाई लोअर सेलिंग हायर बाइंग, आखिरी स्टेप कितने पे करने बेटा, 6,000। मैं पूछ रहा हूँ यूरो कितने इन्वॉल्व होंगे, तो मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई, पेमेंट करनी है ना तो मायदा बाइंग का करो, बाइंग रेट बेटा डायरेक्ट कोट में बाइंग रेट हायर होता है। आखिरी सवाल, हम यूके में 7,000 पे करेंगे आफ्टर 3 मंथ्स, रेट्स हैं यूरो पर पाउंड, स्पॉट 2 मंथ फॉरवर्ड 3 मंथ फॉरवर्ड, कितने पाउंड इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। अब भाई आप यूके में हो, 3 मंथ्स बाद पे करने हैं, 3 मंथ को सर्कल कर लिया, पाउंड नीचे आ रहा है, लोकल करेंसी इनडायरेक्ट कोट डिविजन लोअर बाइंग हायर सेलिंग, आखिरी स्टेप 7,000 पे करने मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड, पेमेंट करनी है मायदा बाइंग का करोगे, पेमेंट करनी है मायदा बाइंग का करोगे, इनडायरेक्ट कोट है लोअर बाइंग 1.23।
अच्छा, अब मैं आपके साथ छठी टेक्निक स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको हम जरा डिस्कस करेंगे। इसके हमने दो सवाल करने, एक मैं कराऊंगा, एक आपको करना होगा, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। बाकी मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले ना आप इस लेक्चर को रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि बहरहाल ये जो कोर्ट्स है ना, ये अगर रूल्स बंदा भूला तो गड़बड़ करा देंगे, ठीक है? इसलिए प्लीज इसको जरा रिवाइज करके आइएगा, ठीक है? चले अब लास्ट टेक्निक की तरफ आते हैं, मनी मार्केट हेजिंग। अच्छा, ये जो मनी मार्केट हेजिंग टेक्निक है ना, ये टेक्निक रिसीट्स के केस में अलग तरीके से अप्लाई होती है इनफ्लोज में, और पेमेंट्स में अलग तरीके से अप्लाई होती है। मैं आज की क्लास में आपके साथ सिर्फ पेमेंट्स डिस्कस कर रहा हूँ, रिसीट्स कल करेंगे। जो मनी मार्केट हेजिंग टेक्निक है ना बेटा, ये रिसीट्स के केस में अलग अप्लाई होती है, पेमेंट्स के केस में अलग अप्लाई होती है। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ पेमेंट्स। अब जरा पहले स्ट्रक्चर समझ लो मनी मार्केट हेजिंग है क्या, स्ट्रक्चर समझ लो मनी मार्केट हेजिंग है क्या। देखो, मनी मार्केट हेजिंग ये कहती है कुछ कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुन लो। यार लेट सपोज आप पाकिस्तान में, और आपको $1,000 पे करने आफ्टर 6 मंथ्स, आप पाकिस्तान में हो, $1,000 पे करने आफ्टर 6 मंथ्स, इंटरेस्ट रेट है 10% पर है ना। कहते हैं कोई डील इन होम करेंसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पाकिस्तान में हो, $1,000 पे करने 6 महीने बाद, तो डर लगना है ना रेट बढ़ जाएंगे। कोई डील इन होम करेंसी, लीडिंग जल्दी पेमेंट, लैगिंग लेट पेमेंट, मैचिंग ऑफसेट करना, रेट फिक्स करने की जरूरत नहीं है। मनी मार्केट हेज बना लो, तीन इदारों को एक साथ इन्वॉल्व कर लो, फॉरेन बैंक, मनी चेंजर, लोकल बैंक। तीन इदारों को एक साथ इन्वॉल्व कर लो। वो तीन इदारे कौन से हैं बेटा? फॉरेन बैंक, मनी चेंजर और लोकल बैंक। कहते हैं जब आप पाकिस्तान में $1,000 पे करने ना 6 मंथ बाद, तो सबसे पहले फॉरेन बैंक जाए और उसमें डिपॉजिट करा दे। जितने देने ना $1,000, वो नहीं उससे कम एक्स, जितने देने ना $1,000, वो नहीं उससे कम एक्स, कि जब उस डिपॉजिट पे पड़े पड़े इंटरेस्ट मिले ना 6 महीने का, तो वो 6 महीने बाद 1,000 ही बन जाए। बेटा आप सोचें, आपने फॉरेन बैंक में जाके 1,000 पे करने थे, पूरे 1,000 जमा करा दिए, तो वो तो इंटरेस्ट कमा कमा के 1,000 से ज्यादा हो जाएंगे। आप फॉरेन बैंक जाए, 1,000 पे करने ना 1,000 से कम एक्स जमा करा दें, कि जब उस पर पड़े पड़े इंटरेस्ट मिले ना 6 महीने का, 10% साल का है ना, 6 महीने का 5% है, वो 105% हो जाए, तो वैल्यू 1,000 बने। एक्स निकाल लें 1,000/105%, 950 समझे आ रहे हैं, ये फॉरेन बैंक में डिपॉजिट करा दें। बेटा इस यकीन के साथ के 950 रखवाऊंगा ना, तो ये 6 महीने का इंटरेस्ट कमा कमा के 1,000 हो जाएंगे। रिपीट, आप पाकिस्तान में, आपको $1,000 पे करने 6 महीने बाद। मनी मार्केट हेजिंग कहती है तीन इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व कर लो, फॉरेन बैंक, मनी चेंजर, लोकल बैंक। सबसे पहला स्टेप ये, फॉरेन बैंक जाओ, वहां डिपॉजिट करा दो, जितने पैसे देने ना वो नहीं उससे कम एक्स, कि जब उस एक्स पे पड़े पड़े इंटरेस्ट मिले ना 5% का 6 महीने में, वो 105 हो जाए, तो वैल्यू 1,000 बने, एक्स आ जाएगा 950। 950 कम जमा कराओ कि इंटरेस्ट बढ़ बढ़ के 1,000 हो जाए। भाई पूरे 1,000 रखवा दोगे तो वो तो इंटरेस्ट कमा कमा के ज्यादा हो जाएंगे ना। 1,000 ना जमा कराओ, जितने पे करना उससे कम एक्स जमा कराओ, पड़े पड़े इंटरेस्ट मिले तो 1,000 हो जाए, 950 जमा कराओ। अब सर मैं पाकिस्तान में, आप मुझे बोल रहे 950 जमा कराओ, मैं कहां से लाऊं? नेक्स्ट स्टेप कहता है गो टू मनी चेंजर, किसी मनी चेंजर से जाके $950 मांग लो। सर मैं पाकिस्तान में किसी भी मनी चेंजर को जाके बोलूंगा मुझे $950 दे दो, पीकेआर मांगेगा, कह रहे कोई बात नहीं। जितने पीकेआर मांग रहे हैं ना, ये जाके लोकल बैंक से बोरो कर लो, खत्म कहानी। लोकल बैंक से पीकेआर बोरो किए, मनी चेंजर को दिए, लोकल बैंक से पीकेआर बोरो की, मनी चेंजर को दिए, क्या वो डॉलर दे देगा? ये डॉलर यहां जाकर रखवा दो। बेटा आप 6 महीने बाद, क्या ये 950 रखवाए थे, बढ़ बढ़ के 1,000 हो गए, वहीं से निकालो, और जिसको 6 महीने बाद 1,000 देने थे ना दे दो। ओपन मार्केट से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बढ़े हुए थे रेट, कोई मसला ही नहीं, हमारे पास तो पहले से डॉलर पड़े हुए थे अपने अकाउंट में, उसी में से निकाले, पे कर दिए, ओपन मार्केट में रेट जितना भी ऊपर, हमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, इस पूरे काम को करने के बाद एक लायबिलिटी जरूर रह गई है,
लोकल बैंक लोन, एक लायबिलिटी जरूर रह गई है लोकल बैंक लोन बेटा, उससे आप इंटरेस्ट समेत रीपे कर दो। ये है मनी मार्केट हेजिंग, थोड़ी लंबी टेक्निक है। अभी फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट बच्चों वाली थी, रेलेवेंट रो को सर्कल करो, कोट देखो, मल्टीप्लाई डिवाइड करके बात खत्म करो। मनी मार्केट हेजिंग कहती है बैक वक्त साइमल्टेनियसली तीन इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करो, फॉरेन बैंक, मनी चेंजर, लोकल बैंक। जितने पैसे देने हैं वो नहीं, उससे कम एक्स जाके फॉरेन बैंक में डिपॉजिट करो कि जब उस एक्स पे पड़े पर इंटरेस्ट मिले ना 5%, वो 105 हो जाए वैल्यू, 1,000, 950 जमा करा दो। इस कॉन्फिडेंस के साथ 950 जमा कराए तो वाकई बढ़ बढ़ के 1,000 हो जाएंगे। वो अमाउंट मनी चेंजर से जाके मांगो जो तुम 950 जमा कराने, मनी चेंजर से मांगोगे वो पीकेआर मांगेगा, वो बोरो कर लो लोकल बैंक से। मनी चेंजर को $2 लो रखो, 6 महीने बाद बढ़ के 1,000 हो गए, वहीं से पे कर दो, कोई ओपन मार्केट से लेने की जरूरत नहीं, रेट बढ़े हुए कोई नुकसान ही नहीं। हाँ, लायबिलिटी रह गई है लोकल बैंक लोन, इंटरेस्ट समेत रीपे कर दो, ठीक है। खैर ये तो मैंने बड़ा रफ काम किया है, इसको फेयरली पॉइंट्स के साथ लिख लिख के ना मैं तुम्हें अपनी जो एग्जाम्पल लिखी हुई उसमें समझा रहा हूँ, बिल्कुल एहतियात से समझना। होपफुली अच्छी तरह समझ गए तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद कर लोगे, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे, ठीक है। चलो अभी सवाल देखो, वी आर इन पाकिस्तान एंड मस्ट पे $1,000 आफ्टर 3 months। रुक जाओ, आप पाकिस्तान में हो, $1,000 पे करने 3 महीने बाद, क्या डर है भाई, रेट बढ़ जाएंगे। तो भाई डील इन होम करेंसी कर लो, लीडिंग कर लो, लैगिंग कर लो, मैचिंग कर लो, रेट फिक्स करा लो। बोला नहीं करवाना, हम पाकिस्तान में $1,000 पे करने 3 महीने बाद, स्पॉट रेट है डॉलर पर पीकेआर ये दो, कंपनी कैन बोरो डॉलर एट 10% पर एनम, डिपॉजिट डॉलर एट 8% पर एनम। डॉलर बोरो हो सकते हैं 10% पर एनम पे, डिपॉजिट हो सकते हैं 8% पर एनम पे। इट कैन बोरो पीकेआर एट 6% पर एनम, डिपॉजिट पीकेआर एट 5% पर एनम। व्हाट इज द कॉस्ट इन पीकेआर विद अ मनी मार्केट हेज, ठीक है जी। आप पाकिस्तान में वो $1,000 पे करने 3 महीने बाद, तो ऑब्वियसली डर है भाई रेट्स बढ़ जाएंगे, रेट्स डॉलर ओवर पीकेआर है, दो रेट्स दिए हैं। कंपनी बोरो कर सकती है डॉलर में 10% पर एनम, डिपॉजिट कर सकती है डॉलर में 8% पर एनम। बोरो कर सकते हैं पीकेआर में 6% पर एनम, डिपॉजिट कर सकते हैं पीकेआर में 5% पर एनम। इन शॉर्ट, डॉलर का भी बोरिंग डिपॉजिट रेट है, पीकेआर का भी बोरिंग डिपॉजिट रेट है। व्हाट इज द कॉस्ट इन पीकेआर विद द मनी मार्केट हेज, पता है मनी मार्केट हेज से क्या कॉस्ट आएगी? अब सुनो, देखो मनी मार्केट हेजिंग में ना 3 institutions इन्वॉल्व होंगे, कह रहे ना व्हाट इज द कॉस्ट इन पीकेआर विद द मनी मार्केट हेज। बेटा मनी मार्केट हेज में 3 institutions इन्वॉल्व होंगे, फॉरेन बैंक, मनी चेंजर, लोकल बैंक। करना क्या, किधर मौजूद हो? पाकिस्तान में $1,000 पे करने 3 महीने बाद। सबसे पहला स्टेप पता है क्या है? पाकिस्तान में हो ना, $1,000 पे करने 3 महीने बाद फॉरेन बैंक चले जाओ, डिपॉजिट करवा दो। कितने? $1,000। बोला नहीं, जो पे करने होनी उससे कम एक्स, कि जब उस पर पड़े पड़े 3 महीने का इंटरेस्ट मिले ना तो वो 1,000 हो जाए। सर आप कह रहे हैं फॉरेन बैंक जाके 1,000 मत जमा कराओ, जा रहे वो तो इंटरेस्ट कमा कमा के बढ़ जाएगा, 1,000 से कम एक्स जमा करो कि जब उस पर पड़े पड़े इंटरेस्ट मिले ना 3 महीने का तो वो पूरा 1,000 हो जाए। सर मैं फॉरेन बैंक गया, मैंने डिपॉजिट करवा दिया 1,000 नहीं उससे कम एक्स, कि जब पड़े पड़े इंटरेस्ट मिले तो वो 3 महीने बाद 1,000 हो जाए। सर देखो तो डॉलर रखवाने पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 8% पर। तो 3 महीने का क्या होगा, डिवाइडेड बाय 12 कर दो 1 महीने का आ जाएगा, इनटू 3 कर दो 3 मंथ्स का आ जाएगा 2%। फॉरेन बैंक जाओ, डिपॉजिट करा दो 1,000 जो पे करने वो नहीं उससे कम एक्स, कि उस पर पड़े पड़े 3 महीने का इंटरेस्ट मिले ना 2%, वो 102% हो जाए, तो वैल्यू 1,000 बने। एक्स निकाल लो, 1,000 डिवाइडेड बाय 102%, $980.4 डिपॉजिट करा दो, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि तुमने अगर फॉरेन बैंक ने 980.4 जमा कराए ना तो वाकई वो 3 महीने का इंटरेस्ट कमा कमा के 1,000 हो जाएंगे। बेटा बात गौर से सुनो, तुमने पाकिस्तान में हो, $1,000 3 महीने बाद पे करने, डर लग रहा होगा इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे, करेंसी रेट्स बढ़ जाएंगे, सॉरी
मनी मार्केट हेजिंग कहती है, तीन इदारे इन्वॉल्व कर लो, फॉरेन बैंक, मनी चेंजर, लोकल बैंक। फॉरेन बैंक के पास जाओ, डिपॉजिट करवाओ, 1000 करवा दोगे ना जितने पे करने, तो वो तो 3 महीने का इंटरेस्ट कमा कमा के ज्यादा हो जाएंगे, तुम्हारे काम के नहीं है। 1000 से कम एक्स जमा करो तो उस पर पड़े पड़े 3 महीने का इंटरेस्ट मिले ना 1000 हो जाए। सर डॉलर रखवाने पर इंटरेस्ट कितने, 8%, 3 महीने का 2%, 102 हो जाए वैल्यू 1000, एक्स हो जाए 980 जमा कराओ इस यकीन के साथ कि अगर आपने 980 जमा कराया ना तो वो इंटरेस्ट अर्न कर करके 1000 हो जाएगा। सर मैं पाकिस्तान में हूँ, आप कह रहे हैं फॉरेन बैंक जाके 980 जमा करा दो, ये तो मेरे पास है ही नहीं। कहते कोई बात नहीं, पाकिस्तान में किसी भी मनी चेंजर के पास चले जाओ और उससे मांग लो 980.4 डॉलर। सर मैं पाकिस्तान में जाके किसी भी मनी चेंजर को बोलूंगा 980.4 डॉलर दो, तो वो मुझे ऐसे ही थोड़ी देगा, वो पीकेआर मांगेगा। कितने पीकेआर मांगेगा, जरा 980.4 को पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड। बेटा देख लो पाकिस्तान में पीकेआर नीचे इनडायरेक्ट कोट डिविजन होनी है, लोअर रेट बाइंग हायर रेट सेलिंग। बेटा तुम किसी मनी चेंजर के पास जाके बोल रहे हो 980.4 दो, वो पीकेआर मांगेगा। कितने पीकेआर मांगेगा, 980.4 को पीकेआर में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड, मांग रहे हैं बाय कर रहे हैं बाइंग रेट जो लोअर होता है इनडायरेक्ट कोट में। एट फोर डबल थ्री फाइव पीकेआर मांगे, सर मेरे पास तो ये भी नहीं है। कहते हैं कोई टेंशन नहीं है, किसी लोकल बैंक चले जाओ, PKR 84335 लोन पे ले लो, 90% गेम खत्म हो गया। लोकल बैंक से लोन लिया, मनी चेंजर को दिया, क्या वो 980.4 डॉलर दे देगा, वो रखवा दिए। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये तीनों स्टेप सुनो, अभी खत्म नहीं हुई बात। हम पाकिस्तान में, हमें 1000 डॉलर पे करने 3 महीने बाद, स्पॉट रेट है डॉलर ओवर PKR, पाकिस्तान में पाक रुपी नीचे, इंडायरेक्ट कोट डिविजन, लोअर बाइंग हायर सेलिंग, डॉलर का भी बोरो डिपॉजिट रेट दिया हुआ है, पाउंड का भी, PKR का भी बोरिंग डिपॉजिट रेट दिया हुआ है। व्हाट इज द कॉस्ट इन PKR विद मनी मार्केट हेज? मनी मार्केट हेज में तीन इदारे इन्वॉल्व होते हैं, फॉरेन बैंक, मनी चेंजर, लोकल बैंक। पाकिस्तान में हो, पहला स्टेप है फॉरेन बैंक जाओ, डिपॉजिट करवा दो, 1000 पे करने वो नहीं उससे कम एक्स, कि जब उस पर पड़े पड़े इंटरेस्ट मिले ना 3 महीने का तो वो पूरा 1000 हो जाए। सर डॉलर रखाऊंगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8% साल का है तो 3 महीने का 2%, 102 हो जाए वैल्यू 1000, एक्स निकाल लो, 980.4 जमा कराओ, क्योंकि जाहिर ही जमा कराएंगे तो बड़े बड़े के 1000 हो जाएंगे। सर पाकिस्तान में हूँ, आप कह रहे हैं 980.4 जमा करा दो, ये तो मेरे पास होंगे नहीं। कहते हैं कोई बात नहीं, मनी चेंजर से जाके मांग लो 980.4। सर जब मनी चेंजर से जाके 980.4 मांगोगे तो पीकेआर मांगेगा, कितने, 980.4 डॉलर को पीकेआर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड, इनडायरेक्ट कोटा, मांग रहा हूँ बाय कर रहा हूँ बाइंग रेट से डिवाइड करो लोअर, 84335 पीकेआर मांगेगा। सर मेरे पास तो वो भी नहीं है। कहते हैं लोकल बैंक जाके बोरो कर लो, बस खत्म। लोकल बैंक से बोरो किए, मनी चेंजर को दिए, डॉलर मिल गए, वो फॉरेन बैंक में रखवा दिए। अब रेस्ट करो 3 महीना, 3 मंथ्स बाद 1000 डॉलर हो चुके होंगे ना फॉरेन बैंक अकाउंट पे, तो 3 महीने बाद 1000 डॉलर हो चुके होंगे ना, जो 980 जमा कराए थे 1000 हो चुके होंगे ना। टेक आउट 1000 फ्रॉम फॉरेन बैंक अकाउंट, क्लियर सप्लायर, 3 महीने गुजरेंगे वो 980.4 1000 हो चुके होंगे ना, निकालो, जिसको देने ना 3 महीने बाद 1000 उसको देके फारिग करो, खत्म। अब क्या तुम्हारे ऊपर कोई लायबिलिटी रह गई है? बिल्कुल रह गई है भाई, लोकल बैंक से लोन लिया हुआ प्रिंसिपल, बेटा उसे इंटरेस्ट समेत रीपे कर लो। बताओ पीकेआर बोरो करने पे इंटरेस्ट कितना है, 6% पर एनम, तो 3 मंथ्स का डिवाइडेड बाय 12 × 3, 1.5%। एट फोर डबल थ्री फाइव बोरो किया था, उससे इंटरेस्ट समय रिपे कर लो, वन टू सिक्स फाइव, फाइनल कॉस्ट तुम्हारी बन जाएगी 85600। यही पूछ रहा था, व्हाट इज द कॉस्ट इन पीकेआर विद मनी मार्केट। रिपीट कर रहा हूं, तुम पाकिस्तान में हो, 1000 डॉलर पे करने कब, 3 मंथ्स बाद। बेटा डर लग रहा होगा रेट बढ़ जाएगा, तो पहला स्टेप फॉरेन बैंक जाओ, डिपॉजिट कराओ,
हजार पे करने होनी उससे कम एक्स, कि पड़े पड़े इंटरेस्ट मिले ना उस पर 2%, वो 102 हो जाए, वैल्यू हजार हो जाए, 980.4 जमा कराओ, ये अमाउंट मनी चेंजर से मांगो, वो बदले में पीकेआर मांगेगा, कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मांग रहे हो, बाय कर रहे हो बाइंग रेट 84335 मांग रहे हैं, वो लोकल बैंक से बोरो कर लो, बोरो करके इनको दो, मनी चेंजर को 980.4 डॉलर देकर रखवा दो, तीन महीने बाद वो 980.4 बढ़ के हजार हो गए, निकालो फॉरन बैंक से क्लियर करो, एक ही लाइबिलिटी रह गई है लोकल बैंक से जो बोरिंग की थी, उसे इंटरेस्ट समय रीपे कर दो, पीकेआर बोरो करने पर इंटरेस्ट 6% साल का था, तीन महीने का डेढ़ बना, 1265 नेट कॉस्ट 85600 डॉलर, बेटा कॉपी कर लो, कोई सवाल है पूछ लो, मैं अगला सवाल दे रहा हूँ उसे खुद करना है, फिर आपकी क्लास ऑफ होगी।
चले अब इसका जरा हम आंसर डिस्कस कर लेते हैं। हम पाकिस्तान में 2000 पाउंड पे करने 6 महीने बाद, डर होगा रेट बढ़ जाएंगे, स्पॉट रेट दिए हुए, पाउंड ओवर पीकेआर, पाक रुपी नीचे, इनडायरेक्ट कोड डिविजन, लोअर रेट बाइंग, हायर रेट सेलिंग। डिपॉजिट कर सकते हैं पीकेआर में 9% पे, बोरो कर सकते हैं पीकेआर में 10% पे। पीकेआर का बोरिंग डिपॉजिट रेट और पाउंड का भी बोरिंग और डिपॉजिट रेट। व्हाट इज द कॉस्ट इन पीकेआर विद द मनी मार्केट हेज? 3 इदारे इन्वॉल्व करो, फॉरेन बैंक, मनी चेंजर, लोकल बैंक। पाकिस्तान में हो सबसे पहले फॉरेन बैंक जाके डिपॉजिट करवाओ, 2000 पे करनी होनी उससे कम एक्स के, जैसे पड़े पर इंटरेस्ट मिले 6 महीने का 2000 हो जाए। पाउंड रखवाने पर इंटरेस्ट कितना है? 8%, 4% वो 104, 1923। बेटा ये अमाउंट जाके मनी चेंजर से मांगा, वो बदले में पीकेआर मांगा कितने, कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, डिवाइड मांग रहे हैं, बाय कर रहे हैं बाइंग रेट से, वो मांगेगा पीकेआर 167948। ये जाके बोरो कर लो लोकल बैंक से, बोरो करके इनको दो, ये तुम्हें 1923 पाउंड देंगे, जमा करा दो आफ्टर 6 मंथ्स। 1923 2000 हो चुके होंगे, निकालो, क्लियर करो सप्लायर को। लायबिलिटी लेफ्ट लोकल बैंक लोन है, प्रिंसिपल कितना लिया था बेटा? पीकेआर, इंटरेस्ट समेत रिपे कर दो। पीकेआर बोरो करने पे कितना इंटरेस्ट था बेटा? 10%, तो ये 5% हुआ। ठीक है जी, आज यहाँ पे एंड करते हैं इसको, कल रिवाइज करके आइएगा इसको, फिर कल फर्दर कंटिन्यू करेंगे।